आपके सामने रूबरू हुए। दोस्तों आज बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने विषय रखा है इस मीटिंग का, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, और इन तीनों ही चीजों से हम महरूम हैं। हमारा समाज संगठन बहुत है, सभी साथी बोलते हैं संगठन बहुत है, और आज का जो विषय है कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, मिलकर के इकट्ठा होने का, संगठित होकर के फिर संघर्ष करने का, और एक सबसे बड़ा इशू जो रिजर्वेशन आरक्षण, जिसके ऊपर आज बहुत भारी कुटाराघात हो रहा है, और जो रिजर्वेशन था उस रिजर्वेशन में से भी हमें कुछ मिला नहीं, हमारी जाति को मिल नहीं पाया या हम ले नहीं पाए। अब सवाल ये है कि अब जो रिजर्वेशन पहले ऑलरेडी खत्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि रिजर्वेशन जो लागू है वो सरकारी संस्थाओं में लागू होना था, वो पिछले 1990 से लेकर के ये जो निजीकरण की जो पॉलिसी लाए, ग्लोबलाइजेशन की, भूमंडलीकरण की पॉलिसी लाए, नव उदारवादी नीतियों को जो लेके आए, उसके बाद इन्होंने तमाम जो सरकारी संस्थाएं थी बेच डाली। अब बची कुची है, ये सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है उनको भी बेच देगी। अब खाली आपका रिजर्वेशन बचेगा तो विधानसभा और लोकसभा में बचेगा। अभी पीछे उत्तर प्रदेश के जो 8 बड़े मेडिकल कॉलेज में से उत्तर प्रदेश सरकार ने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अभी इतना बड़ा कुटाराघात हो रहा है, चलो कम से कम था तो सही, हमें भी गाय बाय मिल जाता था, हमारे भी समाज को, बड़े भाइयों ने लिया कोई बात नहीं, एक मूवमेंट चली अलग रिजर्वेशन की, उसमें से रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन। लेकिन अब सवाल यह है कि बाबा साहब ने संविधान में लिखा क्या, संविधान में लिखा क्या रिजर्वेशन को देते हुए? उन्होंने कहा कि भैया जितनी जातियां हैं, जो शेड्यूल जातियां हैं, जो अनुसूची की है उन्होंने सरकार ने, उनको जातियों के आधार पर रिजर्वेशन देना, और ये देने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो आज तक की भी सरकारें हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, चाहे कोई भी सरकारें थी और आज भी हैं, उनकी जिम्मेदारी थी इसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। और ये रिजर्वेशन हमें किसी भीख में नहीं मिला। आजकल व्हाट्सएप पे आते हैं बहुत सारे, कोई परशुराम महासभा, कोई ब्राह्मण महासभा, कोई ठाकुर महासभा, कि रिजर्वेशन से हम लुट गए, पिट गए। अरे भैया पहले तो ये समझो कि रिजर्वेशन भीख नहीं है। पूना पैक्ट में हमने अलग पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार छोड़ा है, डबल वोट का अधिकार छोड़ा है, उसके बाद हमें ये मिला है रिजर्वेशन। ये किसी की दया पर, यह भीख पे नहीं है। और अब पिछले 70 सालों में जो सरकारें बैठी थी उनके मुखिया तुम्हारे ही मनुवादी लोग थे, तुम्हारे ही ब्राह्मणवादी लोग बैठे हैं, वही प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी वही हैं। अगर आपको, अगर जनरल कैटेगरी के आज दुर्दशा का कोई कारण है तो आपके अपने लोग हैं, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें इस रिजर्वेशन का कोई दोष नहीं। और दोस्तों हमें मांग ये करनी चाहिए कि अब पृथक आरक्षण में आरक्षण लेने का सवाल तो खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं। अब इसको बचाने के लिए हमें मांग करनी चाहिए कि पूना पैक्ट रद्द करो, पूना पैक्ट रद्द करो, अलग निर्वाचन मंडल लागू करो, ये हमारी मांग होनी चाहिए। और इस मांग को लेकर के हमें ताकत से उठना है। शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, क्योंकि शिक्षा से हम कुछ लोग उठे, जो संविधान में शिक्षा का अधिकार मिला उससे हम कुछ आगे आए, समाज उठा, हमारे नौजवान साथी आगे बढ़े। जैसे हमारे एक साथी बैंक में थे अभी, बोल रहे नरेश जी, और आज वो मीडिया में फिल्में बनाते हैं, किस लेवल तक पहुंच गए, वो बिकॉज शिक्षा की वजह से, जो संविधान ने दिया हमें वो शिक्षा तोड़ दी इन्होंने, शिक्षा को बेच डाला, और संगठित हमें होने नहीं देते, अलग अलग पार्टियों में बिठा के रख लिया। हमारे कुछ ऐसे लोगों को जो खुद कुछ करते नहीं, उनको मंत्री, संतरी, विधायक बना दिया, उनको कुछ पता भी नहीं है, और फिर हमारा टर्म खत्म हो जाता है, हमें कुछ मिलता नहीं, ना तो उसी को मिलता है ना हमें मिलता है। हमारे लोग होने चाहिए रोहित जैसे, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, वो विधानसभा में जाने चाहिए, राहुल जैसे जाने चाहिए कि जो समाज के लिए लड़ते हैं दिन रात, जिनको कुछ कायदा कानून पता है, ऐसे शक्तिशाली लोग जाने चाहिए। और संघर्ष के लिए जो ये कार्यक्रम तैयार किया है इन साथियों ने, मध्य प्रदेश के साथियों ने, हम उनके साथ पूरी तरह शक्ति के साथ उनके साथ हैं। सारे संगठनों को आग लगा दो और आ जाओ एक छत्र छाया के नीचे, अब समय आ गया है। अगर आज भी एक नहीं हुए, इस देश में वाल्मीकि समाज एक नहीं हुआ, तो अब फिर समय नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको ये छोड़ेंगे नहीं किसी लायक।
अब एक सबसे बड़ा खतरा स्वच्छता अभियान, साथी कह रहे थे कि सस्पेंड कर दिया 24 घंटे में आ गए। स्वच्छता अभियान में करोड़ों रुपए डाल दिए इन्होंने और कह रहे हैं मोदी जी झाड़ू मार रहे हैं, जोगी जी झाड़ू मार रहे हैं, सचिन तेंदुलकर झाड़ू मार रहे हैं, हीरोइने झाड़ू मार रही हैं। ऐसे सफाई होगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, सफाई तो सफाई कर्मचारी करेगा, और सफाई कर्मचारी आप भर्ती नहीं करोगे और स्वच्छता अभियान की वो आड़ में आप सफाई कर्मचारियों का रोजगार खत्म कर रहे हो। हमें स्वच्छता अभियान की खिलाफत करनी है, विरोध करना है उसका, और मांग करनी है कि हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का करो और भारी तादाद में करो। कम से कम 1 करोड़ पोस्ट देश में खाली पड़ी है, अगर 1 करोड़ रोजगार हमारे लोगों को मिल गया तो हमारे समाज का उत्थान होगा। दोस्तों हमें शर्म नहीं है, काम काम होता है, काम की वजह से किसी जाति का नाम नहीं हो सकता। काम मेहनत करके पत्थर तोड़ के भी खाते हैं, हम मेहनत ईमानदारी की खाते हैं, किसी का हम मांग के नहीं खाते, किसी पे शोषण नहीं करते, तो श्रेष्ठ हम हैं। मेहनत करने वाला श्रेष्ठ है, मांगने वाला शोषण करने वाला नीचे घटिया है। हमारा काम है, हमारी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की टैली रखी हुई है ना, ये उल्टी रखी है, इसको सीधा करना है। जो मेहनत करता है वो श्रेष्ठ है, और जो हरामखोरी करता है वो घटिया है, वो चौथे नंबर पर है दोस्तों। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली में हम बैठे हैं दोस्तों, अभी बुलंदशहर का केस हुआ, हमारी एक गर्भवती महिला को मार दिया, पीट पीट के मार दिया, खाली छूने से लेकर के, और हमें व्हाट्सएप से पता चला। हमने कार्रवाई की दोस्तों, 8,25,000 रुपये उसके पति को दिलवा दिए और उनके ऊपर कार्रवाई करवाई, और अभी हम उनके लिए 5 बीघा जमीन की मांग कर रहे हैं। वो साथी 30 तारीख को आएंगे, गांधी पीस फाउंडेशन में चर्चा है, 11 से 5 जो साथी दिल्ली के हैं या जो आ सकते हैं उनका स्वागत है। और हमारे मध्य प्रदेश में व्हाट्सएप मुझे मिला पिछले महीने, सुधीर जी का नंबर था, उसमें देखा हमारे 200 वाल्मीकि परिवारों के घर जला दिए, पूरी भीड़ आई, बाकी साथी बताएंगे, मुझे ऐसी सूचना मिली व्हाट्सएप से पता चला। मैं सुबह 6 बजे व्हाट्सएप देख रहा था, उसमें एक नंबर था सुधीर जी का, नौजवान साथी, मैंने सुबह 6 बजे फ़ोन किया इनको हिम्मत जुटा के कि कहीं कोई साथी सोना रहे हो, तो ये सुधीर जी नौजवान मैं कहूँगा खड़े हो जाएं। जब मैंने इनको फ़ोन मिलाया सुबह 6 बजे और इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई हेलो आप सुधीर जी बोल रहे हैं, मैंने कहा आप सो तो नहीं रहे, डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो इस नौजवान ने कहा, ऐसे नौजवान चाहिए कि सर नींद कहाँ आ रही है, समाज का दमन हो रहा है, नींद आ ही नहीं रही मुझे, ये नौजवान ऐसे चाहिए। और हमने कार्रवाई की दोस्तों, हमने ह्यूमन राइट कमीशन से, एससी कमीशन से लेके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, और हमने यूनाइटेड नेशन तक को चिट्ठी लिखी है, और हमने मांग की है कि एक एक परिवार को 25-25 लाख रुपए तुरंत दो, एक एक एकड़ जमीन दो कृषि की, उनका पुनर्वास की हमने मांग की है, और जिन लोगों ने घटना की उनको गिरफ्तार करो, एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करो। तो दोस्तों हमने मांग की है और इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए साथी पूरी ताकत लगाएंगे, आप सब ताकत लगाएंगे। हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में पूरा सिस्टम है, हम यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, पूरे देश के वाल्मीकि समाज की मदद करेंगे, सबको मिलके चलना है साथियों। और सभी साथियों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, कोई भी कानूनी बात हो हम उसको आगे बढ़ के करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय वाल्मीकि, जय भीम, धन्यवाद।